नमस्कार, आज का जो टॉपिक है वो है कि आप अगर जियो का नेटवर्क या कोई भी नेटवर्क आप यूज़ करते हो, सिम यूज़ करते हो, तो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप जब नेट सर्फिंग करते हो, गूगल पे, व्हाट्सएप पे, जो भी आप चलाते हो, या यूट्यूब पे, जैसे आप मेरा चैनल देखते हो मेगा फैक्ट, तो सब्सक्राइब कर लेना, तो आप क्या करते हो, उस पर प्रॉब्लम आती है, बफरिंग की प्रॉब्लम आती है, वो वीडियो चलते नहीं है क्योंकि नेटवर्क नहीं मिलते हैं। तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिन्हें आप देखते हो और पूरी सेटिंग करते हो। 10 मिनट के वो वीडियो होते हैं, 5 मिनट के वो वीडियो होते हैं कि आप ये कर लो तो आपको सेटिंग मिल जाएगी। आज सिंपल सी एक सेटिंग बताता हूँ, 10 सेकेंड के अंदर अगर आपका नेटवर्क ठीक ठाक चलने लायक होगा तो वो चलेगा, नहीं चलने लायक होगा तो नहीं चलेगा। सबसे पहले कि धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे जियो वाले वीडियो को काफ़ी सपोर्ट किया। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहली बार मेरे चैनल पे 4000 से ज़्यादा व्यूज़ आए। जानते हैं ये 4000 बहुत छोटी बात होती है, लेकिन छोटे यूट्यूबर्स के लिए ये 4000 मेरे लिए तो बहुत मायने रखती है। बिना किसी प्रमोशन के उस वीडियो को प्रमोट नहीं किया, फिर जाके आपने इतना सपोर्ट किया, तो उस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा होगा, हो सकता है मे बी पॉसिबल तो आपने उसको सपोर्ट किया हो। और बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आए थे उस वीडियो पे, ये भी कमेंट्स भी आपको दिख रहे होंगे जो आपने कमेंट किया, 0% सेल, मेरी स्पीड 1.2 से 1.4 हो गई, 2.4 हो गई, और थैंक्स फॉर सपोर्ट, ये सब आपने जो लिखा, तो बड़े प्यारे प्यारे कमेंट, तो अच्छा लगता है कि चलिए आपने वीडियो को देखा और वीडियो को अच्छा लगता है कि आपने वीडियो को देखा और आपने वीडियो को सपोर्ट किया। खैर, जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं आप उनको मत देखिए। से नो टू सच टाइप ऑफ वीडियो दैट आर प्रोवोकिंग दी फेक न्यूज, क्योंकि आपको नेटवर्क अगर अच्छा चाहिए तो दो काम तो करने होंगे, वो दोनों काम इम्पॉसिबल हैं, आप कर ही नहीं सकते हैं। अगर नेटवर्क अच्छा चाहिए तो ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में उस कंपनी का नेटवर्क है कि नहीं, टावर लगा है या नहीं लगा है, या दूसरी चीज़ उस पर बैंड कौन सा लगा हुआ है। टावर तो आप लगवा नहीं सकते, बैंड आप लगा नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना घर भी चेंज नहीं कर सकते। तो सिंपल सी आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आपकी सेटिंग बिगड़ गई है तो रीसेट टू डिफ़ॉल्ट, सेटिंग में जाइए, नेटवर्क में जाइए, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट आप कर दीजिए, आपका नेटवर्क जितने अच्छे कंडीशन में चलने लायक होगा, जितना वो नेटवर्क पॉइंट ले सकेगा उतना वो लेगा और चलेगा। जितनी भी सेटिंग आप कर ले APN के थ्रू, आप जितने भी वीडियोस उठा के देख लीजिए YouTube पे नेटवर्क को अपडेट करने वाले, वो सभी के सभी आपको APN में लेके जरूर जाएंगे, एक्सेस पॉइंट नेटवर्क में। इवन मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि आप APN में चले जाइए और सारी सेटिंग कर लीजिए नेटवर्क में जा करके, और फिर नेटवर्क सेलेक्ट कीजिए जियो का या एयरटेल का या जो भी है, तो आपकी स्पीड बूस्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बूस्ट हो जाती है, लेकिन मन का वहम होता है कि हाँ स्पीड आ गई मेरी, तो अगर आपकी सेटिंग बिगड़ गई है रीसेट टू डिफॉल्ट कीजिए। ये सारी सेटिंग करने से कोई मतलब नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता है। नेटवर्क अगर आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो वो नहीं आएगा। कभी कभी दूसरे तीसरे दिन नेटवर्क अच्छा होता है तो पकड़ लेता है। और एक बात याद रखिएगा, जब मैंने ये रिसर्च किया इस टॉपिक पे, जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे ये देखने को मिला कि हर वो यूज़र जो कि जियो नेटवर्क के पास है या जो जिसके पास टावर है, बैंड अच्छे खासे हैं, जो ये सारे चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, आप सर्च कर सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं नेट पे, तो उन लोगों के नेटवर्क काफ़ी तगड़े आते हैं। और लेकिन हम लोग जो दूर रहते हैं तो फिर नेटवर्क पहुंच नहीं पाता अच्छे से, इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। आपने क्या गौर किया है, आपने कोई भी सिम यूज़ किया हो, एयरटेल का, वोडाफोन का, जियो का, तो कभी कभी क्या होता है, हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में वो नेटवर्क नहीं पकड़ता है, लेकिन जैसे ही हम दूसरे एरिया में जाते हैं वो नेटवर्क पकड़ने लगता है उसी मोबाइल और उसी सिम के साथ। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे टावर होता है, अच्छे बैंड के साथ वो टावर होते हैं और वो अच्छे से नेटवर्क प्रोवाइड कर देते हैं क्योंकि वो आपके करीब होते हैं। जैसे ही आप टावर से दूर जाते हो तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। एक बात और आपने क्या गौर की है, क्या रात में 12 बजे या 1-2 बजे अगर आप सर्फिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि बफर नहीं करते हैं वीडियो, सारे वीडियोज़ बड़ी तेज़ी से चलते हैं, क्यों, क्योंकि उस समय रश बड़ा कम होता है, तो सारे लोग जो होते हैं सो रहे होते हैं इंडिया में, तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं अच्छे से, तो यही प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप उन सभी वीडियोस को ना कहिए और रीसेट टू डिफॉल्ट कीजिए। कोई APN में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ रीसेट टू डिफॉल्ट कीजिए, और वो भी तब कीजिए अगर आपकी कोई सेटिंग बिगड़ गई है तो। और मैं फिर बता दूं, कोई भी कंपनी ऐसा दावा नहीं करती है कि आप APN में जाके ये सेटिंग कर लोगे तो आपका नेटवर्क अच्छा मिलेगा, आपके वीडियोज़ और आप जो
सर्फिंग कर रहे हो वो अच्छे से आप कर पाओगे, कोई भी कंपनी दावा नहीं करती है। मेरे वीडियोस में अगर कोई मिस्टेक्स होती है तो उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे इससे पहले वाले वीडियोस में मुझसे मिस्टेक हुई थी, मैंने आपसे कहा था, मैं खुद ये कह रहा हूँ कि APN में आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन APN में जाने के लिए मैंने खुद आपसे कहा था, इसलिए मैंने कहा कि आप उन सारे वीडियोज़ को छोड़ दीजिए, इवन मेरे वीडियोज़ को भी आप छोड़ दीजिए, लेकिन अगर मैंने मिस्टेक की है तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सेटिंग करने से आपका नेटवर्क जो है बूस्ट होता है? होता है तो आप शौक से करें, अगर नहीं होता है तो आप रीसेट टू डिफॉल्ट वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें और लाभ उठाएं आप अपने जियो नेटवर्क का। दोस्तों जाते जाते आपको एक न्यूज़ देते हैं, ओप्पो 2020 तक 5G नेटवर्क लॉन्च कर रहा है, 5G सिम लॉन्च कर रहा है, और ओप्पो ने यह दावा किया है 2020 तक ये आ जाएगा। इंडिया के सभी ऑपरेटर्स इस पर काम कर रहे हैं। तो आप मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सैटरडे को किसी और दिलचस्प टॉपिक और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।